हेलो दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में कोई ड्रोन नहीं है, एक आरसी हेलीकॉप्टर है जो कि डुअल कैमरा के साथ आता है। जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, ये 4D आरसी की तरफ से आने वाला हेलीकॉप्टर है और काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है, क्योंकि इसमें सिंगल रोटर है और इसमें सर्वोस का यूज़ भी किया गया है। तो अभी इसके फंक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारे फंक्शन आपके सामने हैं, ठीक है। बाकी इसके बॉक्स को मैं अच्छी तरीके से आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ चारों तरफ इसमें कुछ नहीं लिखा है, पीछे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ वार्निंग और इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। 4DL1 इसका मॉडल नंबर है और सिंगल रोटर हेलीकॉप्टर स्काउट इसका नेम है। तो चलिए फटाफट से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये बॉक्स के अंदर से एक बॉक्स आ गया है। अभी ये सारी चीज़ों को भी पहले मैं बॉक्स से बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो जैसे कि देख सकते हैं अभी सारी चीज़ें बॉक्स के बाहर आ गई हैं। सबसे पहले आपको दो मैनुअल्स मिल जाते हैं यहाँ पर, ये दोनों ही इंस्ट्रक्शन मैनुअल हैं, वो मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे ये जो पहला मैनुअल है, इसमें आपको 4DL1 का थोड़ा सा इंट्रो मिल जाता है, जैसे कि इसके बारे में लिखा हुआ है। और इसके पीछे की साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको इसके पार्ट्स के बारे में बताया होता है कि कौन कौन से पार्ट्स इसके साथ हैं और हेलीकॉप्टर में कौन कौन से पार्ट्स यूज़ किए गए हैं और बैटरी को कहाँ पर आपको लगाना है, ठीक है। तो ये बताया गया है। बाकी जो इसका सेकेंड मैनुअल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको रिमोट की मतलब एक एक की के बारे में अच्छे से समझाया गया है कि रिमोट की एक एक की क्या क्या काम करती है और आप बैटरी कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये भी सारा इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। और बाकी दोस्तों इस मैनुअल के अगर पीछे की साइड में देखें तो आपको कैमरा के लिए इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं, जैसे कि दो QR कोड हैं जिन्हें स्कैन करके आप इसकी 4DRC एयर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये नीचे की साइड में काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं, और आप चाहते हैं तो सीधा प्ले स्टोर से भी 4DRC एयर को सीधा सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको एक पैकेट मिल जाता है, इस पैकेट के अंदर कुछ एसेसरीज होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको तीन ब्लेड मिल जाते हैं, हालांकि दो या चार होते हैं लेकिन इसके साथ आपको तीन ब्लेड मिलते हैं, जबकि हेलीकॉप्टर में दो ही ब्लेड टोटल यूज़ होते हैं। और यहाँ पर आपको एक स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है और यहाँ पर मिल जाती है आपको एक चार्जिंग केबल जो कि आपके हेलीकॉप्टर की बैटरी को चार्ज करने में यूज़ होगी। बाकी आप ये देख सकते हैं ये है एक टेल साइड प्रॉपलर जो कि आपके हेलीकॉप्टर के पीछे की साइड में लगती है, जो कि हेलीकॉप्टर को फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट करती है, ठीक है। और यहाँ पर यह है इसका मोबाइल होल्डर जो कि हमें अलग से मिलता है, आप इसे रिमोट के ऊपर कुछ इस तरह से लगा सकते हैं जिसमें आप अपना मोबाइल लगा पाएंगे। बाकी ये है हेलीकॉप्टर की आपकी बैटरी जो कि देख सकते हैं कुछ इस तरह की है, यहाँ पर जैसे ही आप बटन को प्रेस करेंगे ये ऑन हो जाती है, ठीक है। अभी ये हेलीकॉप्टर में नहीं लगी हुई है तो चलिए अभी इसे मैं नीचे रख देता हूँ। इसे चार्ज करने के लिए सिंपली इस केबल को आप यहाँ पर लगा सकते हैं और इसे किसी भी अडेप्टर के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। इसमें रेड कलर की लाइट जलती है, जब वो चार्जिंग पे लगे वक्त ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है, इसका मतलब होता है बैटरी फुल चार्ज हो गई। और अभी चलिए मैं आपको रिमोट दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं रिमोट एकदम यूनिक सा है, कमाल का है। इसमें दो जॉयस्टिक दी गई हैं और काफी सारे बटन दिए गए हैं, ठीक है। लुक बहुत अच्छा है रिमोट का। चलिए दोस्तों इसकी की मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली जो की है ऊपर की साइड में, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट ट्रिमिंग के लिए है, और इधर की साइड में अगर सेकंड साइड में आप देखेंगे तो ये 1 की टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए है। ये वाला ऊपर वाला इमरजेंसी स्टॉप के लिए है, ये इसका लाइटिंग के लिए है, और ये नीचे वाला जो है ये कैलिब्रेशन के लिए है, 1 की कैलिब्रेशन, ठीक है। और ये जो दो जॉयस्टिक हैं इनसे आप अपने हेलीकॉप्टर को फुल कंट्रोल कर सकते हैं। पहले वाली जॉयस्टिक से आप इसे अप एंड डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट रोटेट राइट रोटेट कर सकते हैं। सेकंड वाली से फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं, और यहाँ ऑन ऑफ का बटन है, बीच में इंडिकेटर लाइट है, ऊपर की साइड में स्पीड मोड है। अगर हवा तेज रहती है ग्राउंड में तो स्पीड मोड का यूज करके आप इसे इजिली फ्लाई कर सकते हैं। और इधर की साइड में 360 फ्लिप के लिए आपको बटन दिया गया है, मतलब इसमें सारे टोटल फंक्शन जो है वो ड्रोन वाले दिए गए हैं, यहाँ तक कि डुअल कैमरा भी दिया गया है। बाकी पीछे की साइड में आप इसमें बैटरी डाल सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं इसमें चार बैटरीज डलती हैं, तो हमारे पास नॉन चार्जेबल चार बैटरी हैं। आपके पास चार्जेबल हैं तो चार्जेबल भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अभी इसमें नॉन चार्जेबल का ही यूज़ कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं इसमें मैंने बैटरी को इंस्टॉल कर दिया है। और दोस्तों ये बैटरी एक बार डालने के बाद आपकी कम से कम 5-6 महीने इजिली चल जाएंगी। तो अभी एक काम करते हैं, इसके ढक्कन को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से लग जाता है। इसके बाद रिमोट को जैसे ही आप ऑन करेंगे यहाँ पर रेड कलर की इंडिकेटर लाइट वर्क करना स्टार्ट कर देगी, तो हमारा रिमोट जो है वो ऑन हो चुका है और अच्छे से काम भी कर रहा है। तो चलिए अभी रिमोट को रखते हैं साइड में। अभी मैं मेन चीज हमारा हेलीकॉप्टर सिंगल रोटर हेलीकॉप्टर आपको दिखा देता हूँ। तो यार ये एक मतलब ऐसा है जैसे कि स्पाई या आर्मी वाले यूज करते हैं, उस तरह का हेलीकॉप्टर है। तो अभी आप देख सकते हैं जिसमें एक कैमरा होता है सामने और एक कैमरा नीचे होता है। तो इसका लुक बहुत अच्छा है और काफ़ी सही है, और स्पीड मोड में ये काफ़ी तेज फ्लाई करता है, मैं आपको फ्लाई करके दिखाऊंगा। और ये वैसा हेलीकॉप्टर नहीं है जैसे कि नॉर्मल आज तक आपने देखे होंगे, ये एक अलग ही लेवल का RC हेलीकॉप्टर है। तो अभी तक आपने डुअल रोटर देखे होंगे, सिंगल रोटर भी देखे होंगे, लेकिन इस टाइप का नहीं देखा होगा। बाकी यहाँ पर इसमें मोटर यूज़ किए गए हैं और अंदर की साइड में इसमें 2-3 सर्वो हैं, तो जो इसे लेफ्ट राइट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करते हैं। तो बाकी आप देख सकते हैं इसका जो प्रॉपलर है उसकी क्वालिटी एकदम कमाल की है यार, इसका डैमेज होने का चांस ही नहीं है।
बाकी हेलीकॉप्टर को बहुत अच्छे से सोच के बनाया गया है। पीछे वाली जो प्रॉपलर है उसके लिए प्रोटेक्टर गार्ड भी नीचे की साइड में लगाया गया है ताकि ये किसी चीज से टकरा के टूटे ना। और पीछे वाली प्रॉपलर टूटते भी नहीं है, अगर टूट भी जाती है तो आपको एक्स्ट्रा इसके साथ मिलती है। और बाकी आगे की साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ इंडिकेटर लाइट दी गई है और सामने की साइड में इसका कैमरा है जो कि एडजस्ट होता है ऊपर या नीचे में, और एक कैमरा इसमें नीचे की साइड में दिया गया है। तो ये डुअल कैमरा हेलीकॉप्टर है, ठीक है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो बैटरी कंपार्टमेंट है, इसके नीचे की साइड में आप इसकी बैटरी को लगा सकते हैं। और यहाँ पर भी पीछे की साइड में इंडिकेटर लाइट दी गई है, और ये जो पीछे वाला मोटर होता है ये लेफ्ट या राइट में इसे रोटेट करता है जो कि नाइट में काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि पीछे एक रेड कलर की लाइट और आगे की साइड में ब्लू कलर की लाइट्स जलती हैं। तो चलिए अभी इसमें बैटरी को इंस्टॉल कर देते हैं। कुछ इस तरीके से लगा के आप इसे बैटरी को आगे की साइड में प्रेस करेंगे तो बैटरी इसमें इजीली फिट हो जाती है। देख सकते हैं बैटरी इसमें लग गई है। अभी आपको केवल ऑन ऑफ के बटन को 2-3 बार प्रेस करना है और आपका जो हेलीकॉप्टर है वो ऑन हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से ये ऑन हो जाता है और काफ़ी अच्छी इंडिकेटर लाइट इसमें दी गई है, मतलब ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। तो और पीछे की साइड में भी टेल साइड में एक लाइट दी गई है ताकि आपको पता चल पाए कि टेल साइड किधर है और इसका फ्रंट साइड किधर है, ठीक है। तो अभी आपने हेलीकॉप्टर अच्छी तरीके से देख लिया है। अभी एक काम करते हैं, हेलीकॉप्टर और रिमोट दोनों हमारे अच्छी तरीके से पूरी तरीके से मैंने दिखा दिया और तैयार हैं। अभी देखिए रिमोट भी ऑन कर दिया और फर्स्ट वाली जोस्टिक को जैसे ही अप एंड डाउन करूंगा हेलीकॉप्टर और ड्रोन रिमोट जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाएगा और फर्स्ट वाले जोस्टिक से एकदम ये स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए अभी इसकी कैमरा एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं। हेलीकॉप्टर मैंने आपको अच्छे तरीके से दिखा दिया है। दोस्तों इसकी कैमरा एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए हमें ज़रूरत होगी इसके मैनुअल की जो कि हमारे पास है। आप 4DRC एयर एप्लीकेशन को सीधा प्ले स्टोर पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप QR कोड को स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सीधा प्ले स्टोर पर सर्च करके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि काफ़ी ईजी हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैं जैसे ही प्ले स्टोर में सर्च करूँगा 4DRC एयर, और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपकी जो एप्लीकेशन है यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, मैं पहले से ही कर चुका हूँ तो मेरा सीधा ओपन का ऑप्शन शो हो रहा है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। लेकिन ओपन करने से पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल की वाईफाई सेटिंग में जाना होगा, और वाईफाई सेटिंग में जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आपके हेलीकॉप्टर से जो सिग्नल आ रहे होंगे उसे आपको वाईफाई में कनेक्ट कर लेना है। 4DRC 8K इसे आपको कनेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसे कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर आपका ये कनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर 4DRC एयर का एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे और स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे आपके जो हेलीकॉप्टर का कैमरा है वो आपके मोबाइल पर शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छे से ये शो हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इसमें कोई लैग भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, कैमरा काफ़ी सही है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए मैंने आपको अच्छी तरीके से इसका कैमरा दिखा दिया है और कनेक्ट करके भी दिखा दिया है, और अभी हमारी सारी चीज़ें तैयार हैं। तो चलिए अभी अपने मोबाइल को लगा लेते हैं हम मोबाइल होल्डर में जो कि हमारे रिमोट में ही लगा होता है। यहाँ पर ये कुछ इस तरह से लग जाता है जो कि काफ़ी ईजी है, और उसके बाद हम एक काम करते हैं, मैं आपको यहाँ स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। बाकी सारे ऑप्शन आपको मोबाइल में भी मिल जाते हैं, फ्लाई के लिए भी, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, फोटो के लिए, और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनका यूज़ करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन को, और यहाँ से आप इसकी सारी फुटेज वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी दोस्तों अभी एक काम करता हूँ, रिमोट को नीचे रखता हूँ, आपको बता देता हूँ इसका जो कैमरा है वो आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, रिमोट में ये ऑप्शन नहीं आता है। देख सकते हैं इसका जो कैमरा है वो फ्रंट में ही रहता है, आप थोड़ा सा अप एंड थोड़ा सा डाउन इसे कर सकते हैं, और नीचे वाला कैमरा तो नीचे रहता ही है, वो सेंसर की तरह काम करता है, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो पूरी तरह से रेडी हो गया है, अभी जैसे स्टार्ट करेंगे ये स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों लेके चलते हैं इसे ग्राउंड में और करते हैं इसकी फ्लाइंग टेस्टिंग और इसकी कैमरा टेस्टिंग। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम ग्राउंड में आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने अपने हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ कर लिया है। भाई सब देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है। इसको फ्लाई करना इतना ईजी नहीं होता, इसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं होता है। जब आप प्रैक्टिस से इसे फ्लाई करना सीख जाते हैं तो आपको एक अलग ही लेवल का मजा आता है जो कि ड्रोन को फ्लाई करने में कभी भी नहीं आ सकता। आप देख सकते हैं क्या ही मस्त ये लग रहा है देखने में। आपको 3-4 बार अगर आप फ्लाई करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आप इसे अच्छे से फ्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और अभी ना हवा भी चल रही है ग्राउंड में थोड़ी थोड़ी, तो अगर आपकी ग्राउंड में हवा चलती है तो आप इसकी स्पीड मोड का यूज़ कर सकते हैं। ये इसका फर्स्ट स्पीड मोड है जिसमें इतना तेज फ्लाई कर रहा है। अगर सेकंड और थर्ड स्पीड मोड आप देखेंगे तो उसमें तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लाई करता है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कितना तेज़ फ्लाई करता है। तो अभी देख सकते हैं फर्स्ट स्पीड मोड में ये कुछ इस तरह से फ्लाई करता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि इस रफ्तार से जा रहा है। मैं आगे की साइड में आपको स्पीड मोड तेज़ करके भी दिखाऊँगा, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड स्पीड मोड में भी आपको डाल के दिखाऊँगा। तो अभी आप बात करते हैं इसकी ज़रूरी चीज़ों के बारे में, जैसे कि इसकी रिमोट कंट्रोल रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। लगभग दोस्तों आपको 400 फीट की इसकी रेंज मिल जाती है, लगभग 100 से 120 मीटर की इसकी रेंज मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है, और बहुत बड़े एरिया में आप इसे इजीली
फ्लाई कर पाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक ड्रोन से ज़्यादा ही इसकी रेंज है, ठीक है। अभी देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये फ्लाई कर रहा है और काफ़ी स्टेबिलिटी से आगे के और पीछे की साइड में मैं इसे ले जा पा रहा हूँ। देखिए मैंने इसका स्पीड मोड थोड़ा सा बढ़ा दिया है, अभी सेकंड स्पीड मोड में ये आ गया है, तो अभी आप देखना है कितनी तेज़ी से आगे की साइड में आएगा। तो देख सकते हैं काफ़ी दूर चला गया था और अभी देख सकते हैं ये सेकंड स्पीड मोड है और क्या ही खतरनाक तरीके से ये फ्लाई कर रहा है। तो चलिए दोस्तों रिमोट के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसकी रिमोट कंट्रोल रेंज जो है वो लगभग 400 फीट यानी 120 मीटर के आसपास है। और अभी बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो इसकी जो बैटरी है जैसे कि आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर के साथ जो बैटरीज आती हैं वो लगभग 250 mAh, 300 mAh या 600 mAh तक आती हैं, लेकिन इस हेलीकॉप्टर के साथ आपको 1200 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है जो कि इसके प्ले टाइम को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। लगभग 15 मिनट का मिनिमम प्ले टाइम आपको इसके साथ मिल जाता है जो कि मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है अगर आप फर्स्ट स्पीड मोड में फ्लाई करते हैं। अगर सेकंड और थर्ड स्पीड मोड में फ्लाई करते हैं तो थोड़ा सा प्ले टाइम में अंतर आ जाता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो कि बहुत बढ़िया इसका प्ले टाइम है, क्योंकि इसकी बैटरी जो है वो चार्ज होने में ओनली 25 से 30 मिनट लेती है। तो यार इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतना जल्दी बैटरी चार्ज होती है, उसके बाद ये लगभग आपको 15 मिनट का प्ले टाइम देता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसकी बैटरी मैंने पहली ऐसी बैटरी देखी है जो कि ओनली 25 से 30 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है, नहीं तो लगभग एक ही घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा लग जाता है बैटरी को चार्ज करने में। तो अभी आप देख सकते हैं क्या ही मस्त तरीके से ये फ्लाई कर रहा है। बाकी मैंने बैटरी के और रेंज के बारे में आपको बता दिया, बात करते हैं इसकी क्वालिटी की और इसमें क्या क्या फंक्शन है। तो मैं आपको पहले फंक्शन के बारे में बता देता हूँ, इसमें 1 की टेक ऑफ है, लैंडिंग है, कैलिब्रेशन है, आप कई 1 की से इसे कैलिब्रेट कर सकते हैं, 360 फ्लिप करा सकते हैं, और स्पीड मोड आपको मिल जाते हैं, 6-axis जायरो इसके अंदर है, हैंडलेस मोड भी आपको इसमें मिल जाता है। तो काफ़ी सारे ड्रोन्स वाले सारे फीचर इसके अंदर अवेलेबल हैं, तो आप इजीली फंक्शन की इसमें कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। अभी इसमें एटीट्यूड होल्ड मोड आप देख सकते हैं, ये अपनी हाइट पे बना रहता है, आपको बार बार इसकी हाइट एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों इस हेलीकॉप्टर की सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक आउटडोर RC हेलीकॉप्टर है। आपने देखा होगा बहुत सारे हेलीकॉप्टर, ये ज़्यादातर हेलीकॉप्टर 99% हेलीकॉप्टर ऐसे होते हैं जिन्हें आप केवल इनडोर में ही फ्लाई कर सकते हैं, आउटडोर में फ्लाई करते हैं तो वो ठीक से रिएक्ट नहीं करते हैं, हवा की वजह से लेफ्ट राइट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड भाग जाते हैं। लेकिन इस हेलीकॉप्टर को आप आउटडोर में बहुत इजीली फ्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैं भी कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा है तो हवा का कोई फर्क इस पर पड़ता नहीं है। तो अभी आप देख भी सकते हैं काफ़ी इजीली ये फ्लाई हो पा रहा है। और दोस्तों बात करें इसकी क्वालिटी की, तो एकदम एक नंबर की इसकी क्वालिटी है, काफ़ी मज़ेदार है। आपका ड्रोन कैसे भी क्रैश हो ये टूटने वाला बिल्कुल भी नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं टूटेगा। प्रॉपर क्वालिटी की बात करें तो वो भी एकदम कमाल की है, तो आप इसे कहीं ऊपर से भी गिराएंगे तो वो भी मेरे हिसाब से तो ये नहीं टूटेगा, क्योंकि क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी दी गई है। रिमोट का लुक बहुत अच्छा है, ड्रोन का सॉरी हेलीकॉप्टर का लुक बहुत अच्छा है, आप किसी भी वे में चले जाइए इसकी क्वालिटी ओवरऑल बहुत अच्छी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आप इसे बाय कैसे कर सकते हैं। बाय करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, exynos.com से आप इसे बाय कर सकते हैं। लिंक को फॉलो करके सीधा वेबसाइट पे जाकर आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं। और बाय करने से पहले दोस्तों आप इस पूरी वीडियो को देख लीजिए, अगर आपको ये अच्छा लगता है तभी आप इसे बाय करना। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising.
I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something. You, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something. Out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something. Get back.